पनवेल पहुँचते ही तो उसके जो जहाँ पे दोस्त हम जा रहे थे वहाँ पे दिल्ली में, तो उनका कॉल आ गया तो भाई यहाँ पे बहुत तेज़ बरसात हो रही है, तो जो भी प्लान बना था सब पोपट हो गया। अब क्या कर सकते हैं क्योंकि बरसात के, फिर वो आके कि वहाँ पर ये उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जब हम घर से सोच के चले थे सब पोपट, तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। तो कैसे सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और घर पे मज़े कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो, तो भाई आज हम जा रहे हैं दिल्ली क्योंकि हमें दिल्ली में काम है, और मतलब काम है थोड़ा सा जो बता नहीं सकते वीडियो में। और फिर इसके बाद हमने मतलब काफ़ी सुना था और यूट्यूब वगैरह पे और देखा भी था उसको, जो नोएडा में मॉल है द ग्रैंड वेनिस मॉल, तो उसको भी देखे आएंगे। क्योंकि जितना सुना था वो है कि वेनिस शहर जो इटली में है उसकी डिज़ाइन पर बना हुआ है, जितने भी वहाँ मतलब जो भी वहाँ का स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा उसमें दिया गया है। चाहे उसमें रॉक क्लाइंबिंग कर लो, रॉक क्लाइंब नहीं, जिप क्लाइंबिंग, और उसमें क्या आर्टिफिशियल स्नो भी होती है, पर स्नो तो हमने उसमें मनाली ट्रिप में देखा था तो स्नो तो करेंगे नहीं। तो चलते हैं और फिर उसके भी देखेंगे क्योंकि फिर टाइम मिलता है नहीं मिला। फिर उसके स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनको दिल से थैंक यू। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये है कि भाई क्योंकि यहाँ पे हमारे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम घर पे हैं तो अब घर से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो जाए क्योंकि वहाँ बारिश जाए, तो अगर बारिश हो गई तो सब पोपट हो जाएगा क्योंकि बारिश में ना ही तो मज़ा आएगा घूमने का और ना ही कुछ इन्जॉय कर पाएंगे हम बारिश में, क्योंकि भीजे में आप क्या इन्जॉय कर पाओगे। तो देखते हैं अगर ठीक ठाक रहा तो जाएंगे, अगर बारिश तो फिर साथ में लगे हाथ मतलब उस मॉल में ही मूवी वगैरह कोई लग रही होगी तो देखेंगे। तो चलते हैं, और बस ये कि सब कुछ ठीक ठाक रहे क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे बारिश भी आने वाली है, मतलब मौसम ख़राब है, तो कोई नहीं चलते हैं, और अगर वहाँ बारिश आ गई तो फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है। जिसका डर था वही हो गया, क्योंकि जब हम घर से चले थे तो मौसम का जब काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो फिर भी चल दिए। पर ये है कि अब यहाँ पनवेल पहुँचे, हम पनवेल पहुँचते ही तो उसके जो जहाँ पे दोस्त हम जा रहे थे वहाँ पे दिल्ली में, तो उनका कॉल आ गया तो भाई यहाँ पे बहुत तेज़ बरसात हो रही है, तो जो भी प्लान बना था सब पोपट हो गया। अब क्या कर सकते हैं क्योंकि बरसात के, फिर वो आके कि वहाँ पर ये उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ बरसात काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जब हम वहाँ अपने मतलब वो तो हमने डर था पहले ही सुबह से ही, पर ये का मौसम तो ख़राब रोज से होता है, मतलब बारिश नहीं आती पर 30 तारीख से तो मतलब बादल से हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आज वैसे ही होगा, मैं क्या पता था तो बारिश आ ही जाएगी। तो जो घर से सोच के चले थे सब पोपट, तो कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब यहाँ मतलब ये है कि अब पनवेल आ गए, अब यहाँ से तो वापस घर जाना तो कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि जब आए तो कुछ ना कुछ तो करें। अब यह है कि अगर वापस चले गए तो फिर पूरा दिन वेस्ट जाएगा, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सोच लिया कि चलो कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे नोएडा में जब हम जो मॉल में जा रहे थे तो मूवी तो वहाँ पे देखी थी, अब चल क्या करें, अब वहाँ पे तो पहुँच नहीं पाएंगे तो अब यहाँ पे देख लें मूवी। तो फिर रोड रेड रॉक में आ गई थी मूवी देखने के लिए, पर क्या करें यार बारिश में सब पोपट हो गया। तो जो एक विलन मूवी आई है, एक विलन रिटर्न्स जो मूवी आई है न्यू, वो देख रहे हैं, और क्योंकि टिकट वगैरह तो हमने ले लिया है, अब चलते हैं और फिर बताएंगे मूवी देखने के बाद आपको मूवी कैसी लगी, या दिन का मतलब भरपाई होती है नहीं होती। क्योंकि मन था बहुत इसमें जाने का ना, उसमें द ग्रैंड वेनिस मॉल में, क्योंकि इसकी वीडियो देखी हमने काफ़ी सारी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें एक्टिविटी तो करनी नहीं थी क्योंकि स्नो एक्टिविटी हम करी आए, और फिर वो मेन तो जो फेमस है स्नो एक्टिविटी के लिए और जिप लाइन के लिए फेमस है, वो तो हम मनाली में करी आए, वो तो करते नहीं, पर फिर भी एक बार देखना तो बनता है। कोई नहीं, अब क्या तो कल या फिर किसी और दिन चलेंगे वहाँ पर, फिर जाएंगे ज़रूर, इतना पक्का है कि हम जाएंगे ज़रूर। तो कोई नहीं, तो अब तो क्या कर सकते हैं यार, बारिश ने मौसम बिगाड़ दिया, अब तो सारा प्लान चौपट कर दिया, सब पोपट हो गया जो हुआ था। तो अब मूवी का इंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से मूवी देखने के बाद फिर जाएंगे घर, फिर वापसी घर जाना है और क्या करेंगे, अब और तो कहीं जा ही नहीं सकते।
तो अब मूवी देखते हैं और टिकट मतलब जहाँ तक हम पहुँच गए थे पलवल में 1 बजे समथिंग पहुँच गए थे, तो घर से निकले थे हम 11:30 पर निकले थे, क्योंकि बाइक से आए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे बाइक को यहाँ पार्क कर देंगे पलवल में वो फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या करें, अब बाइक तो ले आए पर सौ तक हम इंटरवल हो चुका है, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें कि अर्जुन कपूर जो बिजनेसमैन का रोल, लड़के का रोल अदा कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, पर ये है कि समझ में नहीं आ रही अभी तो कुछ, पर कन्फ्यूजन सी में, तो अभी इंटरवल हो सकता है इंटरवल के बाद पता चल जाए, तो अभी तो इंटरवल सब चले गए, मैं रह गया हूँ, तो अब चलते हैं और तो फिर देखते हैं जो मतलब ये है कि दोनों का करेक्टर अपोजिट है, उसमें एक का मतलब बिजनेसमैन का वो कर रहे हैं, लड़के का किरदार निभा रहे हैं, और दूसरा जो जॉनी ब्राइम है वो कर रहे हैं मतलब कैब ड्राइवर का। तो चलते हैं और देखते हैं कि उनका करेक्टर क्या है, मतलब अब इंटरवल के बाद समझ में आ जाए, और देखते हैं और फिर आपको बाद जब पूरी मूवी देख लेंगे फिर उसके बाद बताएंगे आपको मूवी कैसी लग रही है। तो अभी तक तो कन्फ्यूजन सी में है, इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा करेक्टर कौन क्या कर रहा है, तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई मूवी हो चुकी है कंप्लीट, और मतलब मूवी में मज़ा तो आया था पर इतना वो नहीं है खास, मूवी अच्छी नहीं थी जो पूरी लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। तो अब इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को करते हैं एंड और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि अभी ख़त्म हुई है मूवी, तो कोई नहीं, तो आज का दिन तो सारा चला गया फिर नोएडा, तो जो मॉल है उसमें तो फिर कभी जाएंगे, चलते हैं।